कैसे एक साधु संत को कैसा होना चाहिए, जब त्याग करते हैं गृहस्थी का तो पूरा त्याग होना चाहिए, कैसे गोपी चंद और उसकी पत्नी के आपस में कैसे, क्या सवाल जवाब होते हैं? भूतड़े खड़ा क्यों रुक के मारे, तू ते चढ़ जा जीने पर के, मेरी बात सुन ले माई, तले खड़ा क्यों रुक के मारे चढ़ जा जीने पर के, जीने पर के देखे एक मुट्ठी मन बक्सिया चाहिए हदे जा तले उतरे के, और तले खड़ा क्यों कभी चली थी ना चलेगी, परंतु महाराज मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु और भी रानी है, उन्हें कैसे समझाऊंगी ये बताइए आप। आपने तो बीच में ही हमारी नैया डुबो दी, इसे नैया को कौन पार लगाएगा महाराज, कौन पार लगाएगा? ऐसा है माई,
एक बात कही है पंडित लक्ष्मी चंद ने, अज्ञानी काटे ज्ञान ते मूर्ख काटे रोके। ये बात ज्ञान तक कटेंगे मूर्ख आदमी रोवेगा। औरत के बारे में भी लिखा है, बड़े बड़े सूर्य योद्धाओं को जन्म देने वाली औरत है, लेकिन नाश का कारण भी औरत है। अक बिनाई में मरवा दे निर्भाग लुगाई हो से, लेकिन दुनिया में मर्द जान की लाग लुगाई हो से। अक 16 श्रृंगार 32 आवरण जबिया करके डोले, और बेहूते नर मरे देख के आस का घूंघट खोले। कुत्ते आला हाड बीर जो अपनी काया छोले, और घी शक्कर जो मेल में लिया अमृत में विष घोले। और कोयल तभी मीठी बोले काग लुगाई हो से, लेकिन दुनिया को मर्द पैदा करने वाली भी एक औरत होती है। जोरदार ताली बजाओ पिया जी। परंतु मैं वो औरत नहीं, अरे मैं तो क्या, और रानियां भी आपसे बहुत प्रेम करती हैं, और मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु आपने तो हमें बीच रसमझदार में छोड़ दिया। महाराज मेरी बात सुन लीजिए, मेरा माँ से और मेरा गुरु महाराज से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कैसे? मेरी बात सुन लीजिए, अधम बिचारे टोप दई मेरी मद में भरी जवानी, मूर्ख ने दुख होया कर से हस के काट ज्ञानी, मद चोपन की जाल डाटनी तार समझ ले पैनी, सूर्य का भी अर्थ रोक दे ऐसी वीर बानी बावली, ऐसी वीर बानी। बिना पति के इस दुनिया में हो हमारे लिए तू करनी छाती करके, शादियां करी, मोड़ बांध के मेरे घर आया, और अब ये जो 12-12 कन्याएं हैं, ये 12-12 कन्याएं, इनका शादी ब्याह कौन करेगा? सुन ले मेरी बात, अगर बात सच्ची लगे सुतरी बात लगे तो ताली बजानी है। 12 कन्याएं बताई ना आपने, 12 कन्याएं। ऐसा है, जिस घर में कन्या नहीं वो घर में नहीं बसता। एक बात सुनना लोगों, किसी साधु संत ने कही है, ऋषि महात्माओं ने,
जो लड़का पैदा होता है वो भाग्य से पैदा होता है, जो लड़का पैदा होता है भाग्य से पैदा होता है, और जिसके घर में लड़की पैदा होती है वो सौभाग्य से पैदा होती है। सौ भाग करने पड़ते हैं जब पैदा होती है, बात सच्ची हो तो बताओ लड़के का क्या है? लड़की सौभाग्य से पैदा होती है। इनके भाग तो तूने पहले ही फोड़ दिए ना, लड़की अपने कर्म का पहले तो तूने मारे भाग फोड़ दिए, छोरा इनके भाग फोड़ दिए मेरी बेटी, छोरा रही इसका भी रह जाएगा, लड़की गरीब की भी नहीं रहेगी। कैसे सुन ले, मेरा बात समझ में आ रही, सोले रानी मोस बिठा दी कन्या करा कुवारी, देख साधु के लाग बता इसे काम करे घर बारी, बावरी काम करे घर बारी, पहलम ते तन क्यों ब्याही हो, तन क्यों प्याही जड़े मोड़ बांध के सर के, देखे इस बात का सुनिए, पहले तो क्यों ब्याही तने मोड़ बांध के सर पे, सर पे देखे इस बात का रहा फैसला उस सच्चे ईश्वर के, तल खड़ा क्यों रुके मारे चल जा जी के, याद आ रहा है जैसे आप हम सबको प्यार करते थे भाई, लाड करते थे, स्नेह करते थे, आपके बाद ये आपकी 16 रानी, ये 12 कन्या, ये राजपाट, ये सेनापति, ये आपकी नगरी नगरी क्या करेगा आपके बिना, जब गृहस्थी बस्ती तो खिला रही थी याद आऊंगा, क्योंकि आप एक राजा हो बिल्कुल, और आपके ये सब सेनापति हैं, राजा था लेकिन ये साधु सन्यासी, आपकी प्रजा है, आपकी आपकी प्रजा को आपका जरूरत है, इतना भजन करूंगा और गुरु की सेवा मैंने सब चीजों से त्याग पत्र दे सब, अरे ने खड़ू तो साधु संत बन जाए, लेकिन जो गृहस्थी का त्याग करके साधु बनता सबसे बड़ा वो होता है। चलो पियाजी मैं तेरी बात मानू, साधु बन रहा है, चल जब साधु बन रहा है और सब काय का त्याग भी कर रहा है तो बन जा साधु, प्रत्येक बने तो बढ़िया बनिए साधु, जो किसी का उद्धार हो ईसा तो बढ़िया बतना, राम रही मैं रामपाल जैसा, आसा राम जैसा, ठीक है ईसा मत बनिए, बनिए तो बढ़िया बनिए, कुछ करके दिखाइए, बाबा भैरवनाथ बाबा गोरखनाथ के शिष्य हैं, वे तो गुफा दिखाओ तो सीधी मेरा गुफा का मैटर खोने में तो पाड़ा मारूंगा, सुन ले जान गई हो, 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 हो,
जान गई मेरा पेंडा छूट मर के देखे आनंद ते तन कटे जाइए फूट सबर की मारे Yeah.